ओहो, ये तो पूल साइड है। भाई नाइजीरियन ब्यूटी, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये ऐसे डांसना है, ऐसे डांसना है, ये नाचना नहीं होता, ये डांसना होता है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, दिस इज नाइजीरिया। टुडे हमारा प्लान था कि हम लैगोस घूमेंगे। घर से निकल गए थे, 2 घंटे से ज़्यादा हमने लैगोस घूमा है। वीआई घूमा, इकोई घूमा, अज्जा एक जगह थी वो घूमी, सब जगह घूमा। लेकिन जो है ना, हमें कुछ ऐसा देखना था कि जो हम कुछ डिफरेंट देखने का प्लान था। तो बस वो तो लोकेशंस थी, वो चीज़ें थी। तो अभी एक जगह हमने देखी, लैंडमार्क, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अभी देखें, अंदर जाके देखते, ऐसा ही जो ना कोई इवेंट वाली जगह है। तो यहाँ पे KFC वगैरह भी नज़र आया, तो खाना वाना भी वहीं खाएंगे, सारी चीज़ें वहीं देखेंगे। तो अभी प्लान ये कि अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या इन्वायरमेंट है। तो लैगोस का एक अनदर ब्लॉक, और हमारे दोस्त रेडी हैं जाने के लिए। ये है अभी एंट्रेंस की जगह, आप देख रहे हो। पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। KFC, हार्ड रॉक कैफे एंड लॉट्स ऑफ थिंग इज देयर। सो देखते हैं अभी अंदर, रश बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो लेट्स सी के क्या कहते हैं, नाइजीरिया भी मज़े की जगह भाई, घूमेंगे फिरेंगे। बट जो है ना, वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, जो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मसला करेंगे। बट हम कोशिश करेंगे कि हम इग्नोर भी करें, अवॉइड करें चीज़ों को। बट लेट्स सी क्या होता है, चलते हैं, टिकट लेते हैं पहले। टिकट लेने के बाद फिर कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। नाउ हम अभी लिंक पे पहुंच गए, और ये है मॉल के अंदर का हिस्सा। तो अभी हम देखेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। लैंडमार्क सेंटर इज देयर, KFC इज ऑल्सो देयर। सो पहले हमें जाना है KFC, कुछ KFC का सीन पहले हमें देखना है। और यहाँ पे वही वो नहीं, जो आप देखते हैं कि गाने वाने गा के पैसे कमा रहे हैं लोग, तो ये वही वाला सेटअप है। बंदा गाने शाने गाएगा, यहाँ म्यूजिक सुन लें। वही प्लेसेस हैं भाई, मज़ा तो आने वाला है। कुछ जगह जाएंगे, लेकिन अभी हम कुछ वजह से नहीं जा रहे, अभी आगे देखेंगे। बट इतना भी वेरी गुड प्लेसेस। अभी हम हार्ट्स ले जा रहे हैं, कुछ देखें, उसके बाद KFC जाएंगे, पहले हार्ट्स ले जाएं, देखते हैं कुछ यहाँ अगर अच्छा मिला हमें तो फिर हार्ट्स ले। सो इट्स अ स्टोर आई थिंक। इट्स अ स्टोर। तो हार्ट्स ले के बाद जो है वो फिर शॉपिंग वॉपिंग करनी पड़ी भैया। सो अभी बहुत सारी जगहें देखनी है। ओहो, दिस इज यू नो ठंडा पानी। इट्स ऑल्सो ठंडा पानी के बाद नेस्ले प्योर लैक्स ओवल्टीन। ठंडा वाटर भी हम देख ही लेंगे भाई। और सब्जी भी है यहाँ पर, खजूर भी हैं, लैक्स भी हैं, ऑलमोस्ट सभी चीज़ें। ये इसे कहते हैं यम, दिस इज़ कॉल्ड यम। लहसुन भी यहाँ पर इस तरह से मिलते हैं, अदरक हैं, इस तरह की है, और ऑनियन, वाइट ऑनियन, येलो पोटैटो, यहाँ पे मीठे पोटैटो होते हैं भाई, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन ये तो मैं ये घुमाने का इरादा नहीं था, बट ठीक है। तो प्लान ये था कि करने तो कुछ और आए थे, लेकिन यहाँ पर देखा कि लैंडमार्क, तो लैंडमार्क के टिकट हमने ले लिए हैं। अभी लैंडमार्क के टिकट लिए हैं, तो अब जा रहे हैं थोड़ा बीच साइड पे। करने कुछ और आए थे, देखने कुछ और आए थे, पहुँच गए कहीं और यही खूबसूरती है ट्रैवलिंग की। तो अभी बेसिकली जा रहे हैं लैंडमार्क में, मतलब सॉरी पहले लैंडमार्क नहीं जाना है, पहले जाना है कुछ खाने के लिए। तो पहले KFC देखते हैं, जैसे मैंने कहा था कि हम जाएंगे, उसके बाद जाएंगे अंदर वाली साइड। लेकिन रीज़न क्या है कि रात होने वाली है, और जो बीच के सिनेरियो है वो थोड़े से चेंज होंगे, तो रात में कैप्चर उतना अच्छा नहीं हो सकेगा। बट राइट नाउ चलो पहले KFC देख डील देख लें इसकी। सो KFC कुछ डील्स वगैरह देखते हैं, यहाँ पर कुछ डील्स दिखी हैं बाकी इनसाइड द KFC। सो KFC इनसाइड तो फिर फैमिलीज बैठी में, तो अभी वहाँ पर हम देखते हैं।
कुछ बनाएंगे, कोई ना कोई सेटिंग बनाएंगे इसकी। और क्या लेना? लेट्स डिसाइड, पहले हम कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। यस यस यस, KFC स्टार्ट करें, मतलब स्टार्ट करें सोचने को छोड़ के, आफ्टर KFC फिर करेंगे आपसे बात है। तो भाई बस स्टार्ट हो गया, बीच में चलेंगे आप, मैं थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ और। तो ये रास्ता है बीच का, मैंने कहा था कि जैसे अंधेरा होता जा रहा है हमारे पहुँचने तक। इन्वायरमेंट देखेंगे अभी जाके क्या है क्या नहीं, चलते हैं। बहरहाल ये क्यों आ गया, क्यों के ऊपर रोकेंगे वीडियो, और फिर यहाँ से पास होने के बाद फिर वीडियो क्रिएट करेंगे। ओके लेट्स सी। फाइनली भाई लैंडमार्क बीच, और यहाँ पर भी एंट्री हो गई है, खाना वाना सारी चीज़ें खा ली थी, सारे मामला जो थे वो हमने देख लिए थे। अब चलते हैं लैंडमार्क बीच में, अंदर क्या क्या सीन है वो सब देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। इसका टाइटल है जो आपको नज़र आ रहा है, तो चलते हैं। खैर बात अंदर, और अंदर जो है ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स हैं, और हाँ बीच की खूबसूरती ना शाम में देखने वाली थी, बट अभी शाम में तो कुछ भी नहीं है, बस अभी तो फ़िलहाल अंधेरे में जितना कैप्चर हो सकेगा वही करेंगे। बाकी दिस इज नाइजीरिया। और फैसल भाई शाम को आना चाहिए था यहाँ पे ना, शाम का मामला डिफरेंट ही था, वो तो उस टाइम पे नज़र आ रही थी चीज़ें ना। अभी पैरल एनीवे, अभी तो हम पैरल अंदर आ चुके हैं, और शाम को समंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, मुझे लग रहा है एक चक्कर और लगाना पड़ेगा था बट हम प्लान कर रहे हैं कि दोबारा भी हम यहाँ पर चक्कर लगाएं, बट शाम का टाइम वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो प्ले एरियाज भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए प्ले एरियाज हैं, वो देखेंगे हम घूमेंगे फिर। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि जो है वो स्किप करें, बच्चों का प्ले एरिया है। लैंडमार्क्स मैक्सिमम किड्स क्लब है, किड्स क्लब, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, और किड्स क्लब भी खुला हुआ है अंदर भाई। भाई इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट लेकिन है क्या अंदर अभी, और आई थिंक हम लोग दूसरी वे में जाना चाहिए हमें, ये स्विमिंग पूल की जगह शायद, वो बीच है बट इट्स ऑलमोस्ट जो है वो अंधेरा हो चुका है। और भाई ये है नाइजीरियन ब्यूटीज़, तो चल रहा है अभी कलरफुल गेट्स वगैरह आई थिंक, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वेलकम टू जोन ए जोन बी एग्जिट गेम्स स्पोर्ट्स, दिस इज एग्जिट, दिस इज एग्जिट एग्जिट, नो 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 फैसल भाई, या इस एग्जिट, ओ ये बड़ा सीन है भाई, अभी तो हम एग्जिट हो जाते हैं। यस मुझे भी ये लग रहा है, इतने सारे पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए हमने, बट एनीवे फैसल भाई एनीवे देखते हैं, हमारे साथ जो दोस्त हैं हमारे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और उसकी इन्जॉयमेंट अब थोड़ा लेफ्ट साइड जाते हैं, उस तरफ जाके देखेंगे, कुछ इंडियंस भी नज़र आए, कुछ एक दो लोग सीरिया के भी नज़र आए, बट नाइजीरियन ब्यूटी लेट्स सी किड्स, यस यस यस, तो अभी हम प्लान ना किड्स वो है किड्स क्लब, सो एक ये इंडियन फैमिली नज़र आई आई थिंक, हाँ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, लेकिन जो है ना इस रंग की कमी नज़र आ रहे हैं। वेलकम टू नाइजीरिया, सो नहीं इधर तो मट्टी मट्टी है, सारा पाँव खराब हो जाएंगे। छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए हुए हैं उन्होंने, टी और टी शॉप टाइप के, और इस तरीके से इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं। ओ ओ ओ आई थिंक वो ये फ्राइज और कुछ फ्राइज वगैरह बन रहे हैं। ये ना एग्जिट वे पे हम लोग आ गए हैं, ये वाला जगह एग्जिट पे हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ स्टार्ट में वीडियो भाई लंबी हो रही है, इसलिए मैं इसको क्रॉप करता हूँ अभी, यहाँ से आगे जाके दिखाता हूँ कोई दिखाने वाली चीज़ हुई तो, वरना जो है ना बस वो देख लो ब्यूटीज। कुछ प्लान अभी है कुछ, वो पूरा दारू वाला सेटअप है, तो मतलब सेटअप डालना नहीं चाहिए, बट लेकिन फिर भी ओहो
ये तो पूल साइड है। ये वाली वीडियो तो मैंने डाली, ये वाली वीडियो तो मैंने डाली। हम नहीं शो ऑफ कर सकते, तो ऐसे रीज़न तो मैं बस कोशिश करूँगा जैसे चीज़ें नज़र आ रही हैं हल्की फुल्की वो चीज़ें मैं सब शो करा दूँ। और इस वक्त जो है ना वो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त, शॉर्ट वॉर्ट पहन के आते थे तो उनका प्लान ये है कि शॉर्ट वॉर्ट पहन के आते तो ठीक था, बट एनी वे जो है वो थोड़े से रिव्यूज दिलवा देता हूँ आपको थोड़े थोड़े से। सो फैसल भाई कैसे ये बताएं कैसा लग रहा है आपको इस वक्त नाइजीरिया? नाइजीरिया ही नहीं लग रहा, ज़बरदस्त लग रहा है नाइजीरिया, बहुत मज़े का है, बहुत अच्छी प्लेसेस हैं यहाँ पर, और स्पेशली वी आई जो है लिकी जो है बहुत अच्छी प्लेसेस हैं यहाँ पर। आज जो हमने सारी प्लेसेस घूमी है ना वो फैसल भाई के साथ घूमी है, इन्होंने नाइजीरिया अच्छे से देखा हुआ है और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाई है इन्होंने, ज़बरदस्त। तो अभी इस लैंडमार्क का पहले आए थे कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूं। लैंडमार्क ये भी फर्स्ट टाइम आया हमें, लेकर इन्हें भी पता था कि क्या होता है। अनफॉर्चुनेटली टाइम जो है ना इस वक्त डार्क हो रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छा है यहाँ। अभी जो है ना वो अंधेरे की वजह से वीडियो में भी उतनी क्वालिटी नहीं आ रही है, बट ये यही कह रहे हैं टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि डार्क है तो हम उतना अच्छा व्यू नहीं ले पा रहे हैं, बट जितना ले पा रहे हैं अपने लिए बहुत है, तुम लोगों के लिए बहुत नहीं है। वी आर जस्ट आई एम जस्ट मेकिंग मोर। तो अभी थोड़ा सा मैं खुद भी इंजॉय कर लूँ फिर मैं बताता हूँ। ट्रैक बनाया इन्होंने ये भाई, यहाँ पर सब हैं, चाइनीज़ भी मिल रहे हैं एक आध, लेकिन ये ऐसे पिकनिक प्लेसेस मिल रहे हैं अदरवाइज़ नहीं मिल रहे थे। इन्होंने एक ट्रैक बनाया हुआ है ऑफ रोड ट्रैक, सो इसके ऊपर बस इस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं, ये अपने इंजॉयमेंट कर रहे हैं फूल। तो बहुत कम अच्छा यहाँ आकर पूरे नाइजीरिया में ना कुछ सफ़ेद रंग नज़र आए वरना, या मैं सोच रहा हूँ राइड लेने का, एक ले लो राइड, हम बनाएंगे वीडियो बनाते हैं अभी चलें। फैसल भाई प्लान है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ वो खेलते हैं, मुझे वो खेलने का दिल चाह रहा है, काउंटर स्ट्राइक खेलते हैं यार, वो मज़ा आ रहा है मुझे, वहाँ चलते मैं तो बोल रहा हूँ। दिस इज भाई नाइजीरियन ब्यूटी, ये आपको हर जगह मिलेगा। ये ऐसे डांसना है, ये नाचना नहीं होता, ये डांसना होता, ठीक है। दिस इज द नाउ इट्स ओके। सो बस यही था। ये है एक और सीन, ये स्टॉप करना पड़ता है इनको, और ये आई थिंक राइट पूछना है, आप इनको बताएगा अगर ये राइट की ट्राई करते हैं, अगर ये राइट हो गई ना, ये वाली राइट करनी है, ये वाली राइट देखनी है भाई, ये वाली राइट। सो ये राइट चलानी है, हम इनसे पूछते हैं, आई थिंक दे विल टेल कम हेलो फ्रॉम देयर। Let's see, चलो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या है राइड के चक्कर। How much? So, another restaurant, लॉटी, और भाई बहुत चीज़ें हैं, पर मसला ये है कि दिखाने वाली नहीं है, बहुत चीज़ें यहाँ पर, बट मतलब अप्रोक्सीमेट यही है कि दिखाने वाली नहीं है। तो ऑलमोस्ट द बाइक एज अ बाइकर यू नो बाइक इज देयर, ये कुछ झूले वूले हैं वो क्लिप्टन की तरह लगा दिया सेटअप ना, और फर्दर मोर आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है, वो बीच, और बीच तो आपको पता है हम नहीं दिखा सकते, तो दैट्स रीज़न क्योंकि अंधेरा है। और बस और ये एक शिप टाइप का एक खड़ा किया हुआ है, तुम लोग बोलोगे यार बोर कर दिया आज अंदर जो है ना वो शशके दिखाने के चक्कर में बोर कर दिया, उसमें पर बोर तो होना पड़ेगा क्योंकि कुछ रूल्स हैं भाई चैनल के भी, तो उस रूल्स को भी फॉलो करना है, तुम लोगों को भी दिखाना है। लैंडमार्क होटल रेस्टोरेंट बस ये बस ये है लैंडमार्क होटल बीच एंड रेस्टोरेंट सॉरी। तो इसका एक अलग ही कुछ होगा, खूबसूरती है भाई, थोड़ा सा चेंज है ये।
एक ही उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट बीचेस बने हुए हैं, स्नूकर बीच और बीच है और कुछ भी नहीं है, नथिंग जिम वर्ल्ड ना, और फुल बॉल है, बॉल 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 है। ये रिसोर्ट है आई थिंक नाइट स्टे, भाई हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद है यहाँ पर। लैंडमार्क, सो अभी जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारे काम कर लिए, तो अब मैं दिखाता हूँ बीच। अच्छा वहाँ जो है ना माहौलियात जो है वो ठीक नहीं है, वहाँ का माहौलियात, तो इस माहौलियात को इग्नोर करने की वजह से मैं आ गया हूँ बीच साइड, ठीक है। सो मैं आपको थोड़ा सा बीच दिखाता हूँ। ये मैंने आपको पहले बताया शाम का मंदिर था देखना, ये अभी शाम का नहीं रहा, हम लेट हो गए तो इसलिए हमने अब शाम में नहीं बना रहे हम। ये फ्लोटिंग है उस पार थोड़ा सा, अभी शाम में सारी चीज़ें खुली हुई थी तो एंड 11 बजे बीच बंद हो जाना है, तो इसलिए ये देखें आप ब्लैक ब्लैक ब्यूटी, ये ब्लैक ब्यूटीज है। तो अभी हम क्या करें, ये उनका था यहाँ से खड़े होते ना, दिस इज वॉल फिश, ये एक जो है ना वो फिश कटी हुई पड़ी हुई है भाई, फिश मिली है इनको पड़ी, बट दिस इज़ व्हाट ये है। अब रात में जो ना स्विमिंग का भी इन्होंने थोड़ा सा मना किया हुआ बेसिकली, और ये सारा है वहाँ भी मौलियात का लादगी का चक्कर है, इस वजह से मैंने फिर वहाँ पे सीन सपाट नहीं किया। उधर हम जा नहीं सकते हैं बेसिकली, वो जो प्लेस है उधर हम जा नहीं सकते हैं, उधर का थोड़े से मामला चेंज है और वीडियो में इनपुट नहीं कर सकते हैं, यहाँ हम चीज़ें देख सकते हैं, तो इस वजह से ये है। तो अगेन घूम फिर कर जो है ना हम वापस आ जाते हैं, और अभी मैं आपको वो जगह भी बना भाई, यहाँ पे आप बेसबॉल भी खेल सकते हो, और एक अच्छी चीज़ ये कि हर कोई यहाँ पे कोई भी बंदा हो यहाँ पे लड़की लड़का जो भी उसको डांसिंग डांसिंग डांसिंग, ये लोग शर्माते नहीं है इनके अंदर, ये कोई अच्छी सी एक सिनेरियो है, शर्माना और मुना ये इन चीज़ों में इनके ये नहीं है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ यार कट के ऐसी जगह की वीडियोस बनाऊँ जहाँ पे लोग ज़्यादा ना हो और फैमिलीज़ ना हो, कोई बुरा ना माने। दस तरीके सो सुबह हो गई, शाम हो गई, और इसी तरीके से जो ये शाम भी तमाम हो गई जो को, सो अभी प्लान यही है घर चलते हैं, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और साथ में बस कीप सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, अल्लाह।